फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। एंड टुडे वी आर मेकिंग दिस अमेजिंग तंदूरी स्नैक, तंदूरी पनीर टिक्का। यू नो वॉट हैपन्स इन नॉर्थ इंडिया, हार्डली एनी पार्टी गोज बाय विदाउट दिस अमेजिंग स्नैक। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द इंग्रीडियंट्स एंड आई एम मेंशनिंग ऑल द इंग्रीडियंट्स विद द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑन द स्क्रीन, प्लीज नोट देम डाउन। नाउ वी विल टेक अ बोल एंड स्टार्ट बाय एडिंग हंग कर्ड। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें इसमें हंग कर्ड ही यूज करना है। अगर आपके कर्ड में बिल्कुल भी मॉइस्चर हुआ तो आपका मैरिनेशन अच्छा नहीं बनेगा एंड इट विल स्टार्ट ड्रिपिंग। नाउ वी विल ऐड अचार का मसाला एंड अचार का ऑयल। आप आम का अचार का ऑयल भी ले सकते हो, मिर्च के अचार का भी ले सकते हो, और अगर आपके पास कोई भी अचार का ऑयल नहीं है तो आप सिंपल प्लेन मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो। नाउ आई एम एडिंग 1 tablespoon बटर। Now mix everything really well, make a fine paste. Now I'm adding some ginger garlic chili paste. ये मैंने घर में ही अच्छे से fine paste बना लिया था। आप चाहे तो market वाला भी use कर सकते हैं, मुझे इसका taste ज़्यादा better लगता है, लेकिन आपके पास अगर market वाला है तो आप उसको भी use कर सकते हैं। इसको भी हम साथ में mix कर रहे हैं। Now I'm adding some lemon juice. मैंने एक मीडियम साइज लेमन ले लिया था और अच्छे से उसको स्क्वीज कर लिया है। आप उसको अच्छे से ऐड करिए, अच्छे से मिक्स करिए। Now we are adding 1 tablespoon चाट मसाला, ब्लैक पेपर, जीरा अजवाइन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, देगी मिर्च फॉर द कलर एंड रोस्टेड कसूरी मेथी। अब मैं सारे मसाले को अच्छे से मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ। मैं अभी कसूरी मेथी को ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उसको बाद में हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी का क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें जैसे अजवाइन या कसूरी मेथी, इसको जब तक हम क्रश करके पाम पे अच्छे से नहीं डालते इसका फ्लेवर उठ के नहीं आता है। नाउ आई एम एडिंग 1 tablespoon सत्तू पाउडर। ये इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 tablespoon बेसन को भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। दिस एड्स थिकनेस टू द मैरिनेशन। जैसे मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाऊंगी, ये बिल्कुल सेट है, ये नीचे नहीं गिर रहा है। आपको इसी कंसिस्टेंसी तक कोटिंग करनी है। अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप हल्का सा सॉल्ट ज़्यादा ही रखिए, इट हेल्प्स मैरिनेशन टू सीप इन रियली वेल। नाउ आई एम एडिंग वेजीज। मैं एक अनियन डाल रही हूँ जिसको मैंने अच्छे से पील कर लिया था, कैप्सिकम है जिसको मैंने अच्छे से फाइन स्क्वायर पीसेस में काट लिया था, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पहले। Now I'll add the पनीर pieces. जब भी आप पनीर ऐड कर रहे हो बहुत हल्के हाथ से ऐड करना, बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करना, इट टेंड्स टू ब्रेक ईजिली। नाउ आर मिक्सचर इज रेडी। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे फॉर मिनिमम 2 hours। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। अब क्योंकि हम पनीर टिक्का बना रहे हैं और हमें उसका तंदूरी फ्लेवर तो देना ही है, तो मैंने एक कोयला लिया है जिसको मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी रेड होने तक। अब कोयला अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम वापस अपने मिक्सचर की तरफ चलते हैं। हम इसके सेंटर में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और एक फॉइल पेपर डालेंगे, उस पर हम रखेंगे हमारा गरम गरम जलता हुआ कोयला। नाउ आई एम एडिंग अ पिंच ऑफ हींग, हींग के फ्लेवर के लिए, एंड सम ऑयल। ऑयल डालते ही आपको इसको अच्छे से ढक देना है, हमें स्मोक को बाहर जाने नहीं देना है, तंदूरी फ्लेवर सारा उसी में ही है। अब हमने उसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब देखिए कितना बढ़िया मैरिनेट हुआ है, ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है इसके ऊपर। मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए रख दिया था, आप मिनिमम 2 घंटे के लिए तो ज़रूर रखिए। जस्ट सी, बिल्कुल भी ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत अच्छे से सेट हो गया, बहुत अच्छे से कोट हो गया। उसका रीज़न है हंग कर्ड। आप याद रखिए कर्ड में बिल्कुल मॉइस्चर ना हो। अब हम वुडन स्क्यूअर्स ले रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करूंगी पहले ताकि मैं आराम से अपना सारा पनीर टिक्का इस पर अरेंज कर सकूं। अच्छा, इसका एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको सेट कर रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग में और एंड में कैप्सिकम या अनियन का ही पीस लगाइएगा। उससे क्या होता है कि पनीर सेट हो जाता है बीच में, तो आप आराम से उसको रोस्ट कर पाएंगे।
बस जिस तरह मैं अरेंज कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही अरेंज करना है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह हम बाकी के स्टिक्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइक दिस। चलिए अब तवा लेते हैं, कोई भी नॉन स्टिक पैन लीजिए या ग्रिलिंग पैन लीजिए, जो भी आपके पास है, और उसको अच्छे से ग्रीस कीजिए। मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम टू हाई पे सेट किया है। अपने सारे स्क्वायर्स लगाइए, थोड़ा सा ग्रीस कीजिए, थोड़ा सा ऑयल डालिए ऊपर से, और साइड्स चेंज कर करके हमको इसको पकाना है। हम जैसे जैसे साइड्स चेंज करेंगे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल और लगाएंगे। नाउ दे लुक रियली नाइस एंड ब्राउन। आप चाहे तो इसी स्टेज पे भी सर्व कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें तंदूरी वाला लुक भी चाहिए तो मैंने उसको स्टील स्क्वायर्स में ट्रांसफर करके गैस पे सीधा रोस्ट करने के लिए लगा दिया है। अगर आपको बिल्कुल मार्केट वाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फील चाहिए, बिल्कुल वैसा ही लुक चाहिए, तो आई इंसिस्ट कि आप इसको 4 जरूर दीजिए। आर्न्ट दे लुकिंग सुपर डिलिशियस? वेट, वी स्टिल हैव अ स्टेप टू गो। जो आपका बोल था उसमें जितना लेफ्ट ओवर है अभी हम उसको यूज करेंगे। मैंने मेल्टेड बटर डाला है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको हम सारे मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। वी आर नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड, वी आर कंज्यूमिंग ऑल। अब सारा टिक्काज हम इसमें डाल रहे हैं और इसको भी कोट करेंगे अच्छे से। लुक एट दीज, अभी और ज्यादा फ्लेवरफुल नहीं लग रहे हैं? अब आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। उसके लिए मैंने इसको वापस से वुडन स्क्वायर्स में सेट कर दिया है, और साथ में मैंने बनाई है मिंट कोरिएंडर चटनी एंड सम पिकल्ड अनियन। आप इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, आप इसको प्लीज बनाइए, डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून। और तब तक के लिए बाय बाय।